हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है पूजा एस के ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोटली बटन्स कैसे बनाते हैं। ये बटन आज बहुत ट्रेंड में चल रही है, हर कुर्ते पे लगाई जाती है कि इसको आप स्लीव्स में भी लगा सकते हैं। इससे स्लीव्स बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि और इसको आप सलवार की मोरी में भी लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ पोटली बटन की कैसे बनाते हैं, वो भी ईजी मैथड से। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कपड़ा लीजिए, कपड़े पे ऊपर एक ढक्कन रखिए, ढक्कन के आजू बाजू मार्कर से गोल ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल का शेप बना लीजिए। अब सुई धागा लीजिए और सुई धागे से कच्चा टाँका करते जाइए। पहला टाँका लेके उस पर गांठ मार दीजिए, उसको लॉक कर दीजिए वहीं पे। फिर जो आकार का सर्कल है उस आकार के ऊपर आपको पूरा गोल इस तरह से गोल टाँका लगाते जाना है। जैसे हम कच्ची सिलाई करते हैं उस टाइप से आपको पूरे सर्कल के ऊपर कच्ची सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा टाँका लीजिएगा ताकि लास्ट में ये आसानी से जब हम खींचेंगे तो कोई अटकना नहीं चाहिए ये धागा, नहीं तो हमारी पोटली बटन का शेप बिगड़ जाएगा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए पूरा सर्कल तैयार हो गया है स्टिच करते करते। अब ये जो सुई में जो धागा लिया था जो कच्चा किया उसको धीरे धीरे खींचते जाइए, इसे चारों तरफ से धीरे धीरे खींच लीजिए। अब बीच में एक होल तैयार हो जाएगा, जो छोटी सी पोटली तैयार हुई है उसके अंदर जो कतरन निकली हुई है, जो बच्ची कुची कतरन है वो उसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से उसको बारीक बारीक दबा के उसको वो पोटली के अंदर इसे डाल दीजिए। अब जो सुई में जो धागा लिया था जो उस धागे को पोटली को अच्छे से पकड़िए और वो धागे को पोटली के नीचे से इसे राउंड करते जाइए इस तरह से। इसे राउंड करते जाइए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से, और फिर ऐसे दो उंगली में फंसा के ऐसे पक्की नॉट लगा दीजिए, दो तीन नॉट लगा दीजिए ताकि ये बहके ना, व्यवस्थित रहे, अंदर के कपड़े फिक्स हो जाए। अब इसको कैंची से कट कर लीजिए। अभी जो नीचे का जो पार्ट बाकी है ये ज़्यादा बड़ा तो इसको भी कैंची से कट कर लीजिए। हमारी एक बटन तैयार हो गई है, देखिए कितनी गोल बनी है। आप अगर ढक्कन से गोल करके और फिर बनाएंगे तो आपकी सारी बटनें एक ही साइज की बनेगी। फिलहाल मुझे पांच बटन नहीं पता है तो मैंने चार बना चुकी हूँ, मुझे एक बटन और बनाऊंगी मैं। तो ये वैसे ही करेंगे, इसको मैंने पहले से मार्क लगा के रखा है सर्कल का। अभी इसको भी वैसे ही पूरे सर्कल को कच्ची सिलाई कर लेंगे, पहले टाँके में फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद सारे टाँकों को कच्चा इस तरह से थोड़े बड़े टाँके लेके इसको ऐसे सर्कल तैयार कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप फिर से ये धागे को थोड़ा सा खींच के और इसके अंदर जो बची हुई कतरन है वो कतरन को इसके अंदर डाल देंगे। अब चाहो तो ये जो कतरन है बड़ी होगी तो आप इसको
कैंची की सहायता से कट करके इसको बारीक बारीक करके डालेंगे तो आपको ज़्यादा इजी की रहेगा। फिर से वही करेंगे धागे को, अंदर की कतरन ठीक से करने के बाद धागे को गोल दो तीन बार धागे को मोड़ लेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद दो उंगली की सहायता से धागे को फिक्स कर देंगे पोटली के ऊपर। फिर से बाकी का जो पार्ट है उसको कैंची से कट कर लीजिए और ये हमारी बटन तैयार हो। होप सो गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।